चीजें हमने क्या कहा, पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज़ को समझ रहे। सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से तब जो है परेशान है महंगाई को लेकर के, आज क्या चीज़ की कीमतें जो हैं नहीं बढ़ी है। नमस्कार, मैं प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज बजट 2023 पेश किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इसके बाद से ही बयानबाजी शुरू हो गई है। बजट 2023 जो पेश हुआ है उसमें आम लोगों के लिए क्या है, और साथ ही साथ मध्यम वर्गीय लोगों के लिए क्या है, कितने जेब पर असर पड़ने वाले हैं, कितनी रियायत मिली है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के उन लोगों के लिए बड़ी राहत दी है जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। अब 7 लाख रुपए के इनकम तक वाले परिवार को जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इन तमाम चीजों की चर्चा तो हो रही है, लेकिन बिहार को क्या मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता से वादे किए थे 2022 तक काम करने के, जो कुछ भी वादे उन्होंने, जो कुछ भी दावे किए थे, उसका क्या हुआ? बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है, विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? साथ ही साथ स्पेशल पैकेज जो बिहार को देने की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका क्या हुआ? इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है, बयानबाजी जारी है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने फिर से लोगों को ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे, जरा वो सुनिए। सब चीजें हमने क्या कहा, पहले भी तो यही कहा ना कि आय दुगुना करेंगे, तो हुआ क्या? नहीं ना हुआ। और फिर क्या कह रहे थे ये कि हर पक्का मकान बना देंगे 2022 तक सबके लिए, हुआ क्या? ये भाजपा के लोग जो हैं धर्म की राजनीति करके, ध्यान भटका करके, जो देश का जो संविधान है उसको ख़त्म कर रही है, पूरी तरीके से इतिहास को बदल रही है, खाली नाम बदलने के अलावा कुछ किया है? नाम मुगल गार्डन का बदल दीजिएगा तो रोजी रोटी मिल जाएगा क्या? महंगाई कम हो जाएगी क्या? इस देश में तो सबसे ज्यादा हिंदू है ना, तो क्या हो रहा है, उनको रोजी रोटी मिल रही है क्या? तो ये केवल सरकार जो है ठगने का काम कर रहा है, और बिहार के लोग होशियार हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। अब बिहार के लोगों से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक रूप से कोई जागरूक नहीं होता, वो जानते हैं, सबसे ज्यादा जागरूक है कि क्या हो रहा है। अब देखिए, सैलरी क्लास तो ऐसे पहले से तब जो है परेशान है महंगाई को लेकर के, आज क्या चीज की कीमतें जो है नहीं बढ़ी है, हर चीज के जो है कीमत जो है बढ़ा, लोगों का मुश्किल हो गया। परिवार में अगर एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराना मुश्किल हो गया, तो ये सारी स्थिति तो है। टैक्स रिबेट वगैरह ये केवल जो है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। तो बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुने थे। बजट 2023 पर तमाम विपक्ष की पार्टियां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। देखिए, इस बजट से लोगों को कितनी रियायतें मिल रही है, ये भी तस्वीरें निकलकर साफ हो गई है, क्योंकि जहां एक और करदाताओं के लिए जो टैक्स पेयर हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, तो वही दूसरी ओर कई चीजों के कीमत कम हुए हैं, बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जेब पर असर पड़ा है। लेकिन बिहार के साथ तो ठगा ही है ना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, बिहार के साथ तो धोखा ही हुआ है ना। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।